बोलने से तो कुछ नहीं होता, बोलने से तो ये बोला सो स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कहाँ है सिटियाँ, स्वच्छ भारत बनाऊंगा, बना दिया, स्टैंड अप इंडिया, क्लीन इंडिया, पता नहीं क्या क्या थी, स्टार्टअप इंडिया, कहाँ गए वो जुमलेबाजी। बोलने से कुछ नहीं होता, लिखित में चाहिए। प्लस हमने ये बोला था पहले दिन की डिमांड है कि कानून भले ही वापस कर दो, एक लाइन ऐड कर दो उसमें MSP की, अगर उससे बाहर कोई खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो तो बात ही नहीं हुई, असली तो बात वही थी। हमने ये बोला था कि पानी गिलास भरा है वो देना भाई, हमने पानी का गिलास देना है, और ये खाली गिलास दे रहे हैं। जब पानी नहीं होगा तो खाली शर्म में मारना है क्या? बिल के अलावा जो मेन मांग थी वो तो है, जो नंबर वन थी MSP की, और रिपील जो कानून करने थे वो, प्लस जो पराली वाला है, जो किसी में पता क्या बोला गया है कि किसान अगर पराली जलाएगा तो 1 करोड़ का जुर्माना होगा, प्लस 5 साल की कैद होगी। आप मुझे बता दो पूरे देश में अगर ऐसा किसान, एक किसान का नाम बता दो इसकी जमीन की और घर की कीमत मिला के 1 करोड़ कीमत हो, कहाँ से लाएगा? ये आदमी को बेच के दोगे क्या? प्लस इलेक्ट्रिसिटी वाला जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है जो एग्रीकल्चर में, उसको खत्म करना चाहते हैं, और नाम क्या किया है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। MSP की बात करते हो आप, सरकार कहती है हम MSP गारंटी देते हैं, और आप हरियाणा से आते हो तो MSP मिलता भी है, फिर क्यों MSP पे लॉ की जरूरत है? और फिर क्या करें, आप कोई बाजार में सामान खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, किस पे खरीदते हो बताओ आप? MRP पे मैक्सिमम, ना तो मैक्सिमम मांग रहे, ना मीडियम मांग रहे हो, मिनिमम मांग रहे हैं, और वो भी नहीं दे रहे नाम। आप बोले ना कानून की मांग क्यों कर रहे हो, तो वैसे तो उन्हें लागू कर ही रखा है बार बार सरकार, हमने देखा नहीं डिबेट क्या बोलते हैं, इतने 1 लाख करोड़ का खरीदा है। मैंने बता तो दिया भाई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी 2005-06 में, उसने बोला था कि C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे देना है। C2 अब इसमें पेच है, एक होता है A2, A2 का मतलब जितना भी खाद बीज पानी, इतनी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन को, मतलब प्रोडक्ट मतलब कि फसल को पैदा करने के लिए, प्लस FL फैमिली लेबर। तो ये A2 प्लस FL प्लस C2 का मतलब था उसकी A2 प्लस FL की 1.5 गुना पे जब MSP देना था, ये तो A2 प्लस FL पे दे रहे हैं। तो जो हमने न्यूनतम मांगा था वो न्यूनतम भी नहीं दे रहे। जो 6% किसानों को बोल मिल रहा है, जो सरकारी रिपोर्टें बताती हैं, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बताती है, वो केवल A2 प्लस FL पे दिया जा रहा है। और मैं फिर वही बता रहा हूँ, हर चीज़ का MRP तय होता है। आप मुझे नहीं बोलने दो मुझे, आप मजदूरी करते हो उदाहरण के लिए, दिहाड़ी करते हो, तो क्या आप दिहाड़ी करने के बाद, पूरी मजदूरी करने के बाद शाम को डिसाइड करते हो कितने पैसे लेने देने हैं? आप बताओ, सुबह डिसाइड होता ना, कोई भी अपने लेबर भेजता है, नौकरी करता है, तो नौकरी वाला महीने के अंत में बोलता है कि मुझे आज मैं मांगूंगा कितनी सैलरी देनी है। अगर ऐसा करेगा तो देने वाला देगा ही नहीं, 1000 की बात करके 200 रुपये देगा। तो हर आदमी पहले डिसाइड करता है अपना मूल्य, तो किसान क्यों नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है, कहाँ से आए हैं? और बात सुन ले, अब इस बात MSP की बात ही सुन रहे हो आप। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी स्कूल की फीस अगर 200 रुपये है तो प्राइवेट में 12-12 हज़ार रुपये है। ऐसे ही हॉस्पिटल में अगर एक चीज़ का इलाज 500 रुपये तो वहाँ पे 15 हज़ार में होता है। हर चीज़ का MRP डिक्लेयर कर रखा है, तो क्या स्कूल की फीस का और ये जो घोटाला होता है हॉस्पिटल में, इसका MRP तय नहीं हो सकता? एक MRP बनाओ ना, पूरे देश का स्टैंडर्ड होगा, किस MRP से ऊपर जो कोई भी फीस लेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पूंजीपति हैं। स्कूल हम खोलेंगे, हम स्कूल खोलेंगे, 8-10 करोड़ रुपये लगते हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, वहाँ के किसानों को क्या दिक्कतें हैं? और कहाँ के दिक्कत है, पूरे देश के किसान को किस की दिक्कत है? सारी की सारी दिक्कत है पूरे हरियाणा को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हरियाणा पंजाब जो 6% की बात है ना, उसमें हरियाणा पंजाब ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं लागू हुआ था। यहाँ के किसानों को 70-80% किसानों को MSP मिलता है, तो हम तो उसी की लड़ाई लड़े भाई, जो कम से कम दे रहे तो वही दे दो। प्लस जैसे 2006 में APMC मार्केट खत्म की थी बिहार में, वहाँ का 10 एकड़ वाला किसान यहाँ के 5 एकड़ वाले के आके मजदूरी करता है। ये मार्केट का मॉडल है इनका, और ये जो मार्केट का मॉडल है ये पूरे वर्ल्ड में फैल हो चुका है। अमेरिका में 22 लाख किसान है, उसी जनसंख्या 33 करोड़ है, 1% से भी नीचे है। 45 लाख रुपये किसान को सालाना सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसके बाद वो मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, उसके बाद उसको जो इंसेंटिव है सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, उसके बाद नहीं खत्म हो रहा है। तो हमारे कैसे हो जाएगा? हमारे देश में तो एक किसान को एवरेज 20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं।
ने कल बोला था कि हमने सिरसा में सब्जी मंडी बनवाई, धान पे और गेहूं पे अधिकतर खरीदारी करवाई है एमएसपी पे हरियाणा में किसानों के लिए। आप तो चांद को नीचे ले आए, सूरज को भी नीचे ले आए, मान ली सारी बात मान ली, तो भला क्यों नहीं हुआ फिर? आप बताओ, 13,000 हर बात बोल रहा हूँ, हर बार असर्ट करता हूँ, 13,000 सरकारी आंकड़ा, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम कोड ब्यूरो का। सुसाइड करते किसान, कब करता आदमी सुसाइड बताओ आप? ये बकवास कर रहे हैं। आदम गोडवी का एक शेर था कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है, और कुछ नहीं आंकड़े झूठे भाई साहब। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।